मुझे यकीन है आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई बरसों से मैं तो पिछला सब कुछ भूल चुका हूं। अपनी जिंदगी पर लगे तमाम धब्बे मैंने बड़े एहतियात से धो डाले हैं। खून के छींटों के धब्बे इतनी आसानी से नहीं धुलते विक्टर। विक्टर मर चुका है कुमार साहब, अब मैं विकी हूं, जिसका इस शहर में रुतबा है, दौलत है, इज्जत है। कल मैं कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकता हूं, परसों इस शहर का मेयर बन सकता हूं। बेशक समाज में तुम जैसे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों की कमी नहीं, और मैं शहर में भेड़ियों की हुकूमत नहीं होने दूंगा। भेड़ियों के समाज में एक भेड़ कब तक खैर मनाएगी कुमार साहब? करो विकी, बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों में हथकड़ी होगी और गले में फांसी की रस्सी। उस वक्त तुम्हें उन मासूम जवानों के चेहरे याद आएंगे जो तुम्हारी गोलियों का निशाना बने थे। कुमार साहब, मुझे कानून के हवाले करके आपको क्या मिलेगा? कोई छपा हुआ कागज का टुकड़ा या कोई मेडल जिसे इंसान ना तो खा सके, बिछा सके, ना ओढ़ सके? इसीलिए मेरी मानिए, भूल जाइए कि आप मुझसे कभी मिले थे, और मैं आपको इतना माला माल कर दूंगा कि आपकी आने वाली सातों पीढ़ियां आराम से खाएंगी। रिश्वत देना चाहते हो मुझे? नहीं कुमार साहब, रिश्वत तो एक निहायत घटिया लफ्ज है। डिक्शनरी में इसके लिए कई बेहतर लफ्ज हैं, जैसे तोहफा, नजराना, भेंट। मैं कफन बेचने का धंधा नहीं करता। तो आप अपने सीने पर एक और मेडल लटकाए बिना नहीं मानेंगे? हरगिज नहीं। शहर में चुनाव होंगे लेकिन उनमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। इंस्पेक्टर प्रेम। कुमार साहब आप बैठी बैठी। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे वो पुरानी ट्रेन रॉबरी वाली फाइल चाहिए। पुरानी ट्रेन? हाँ याद आया, बैठिए मैं अभी देता हूँ। इट्स ऑल राइट। कुमार साहब ये लीजिए फाइल। शुक्रिया प्रेम, शुक्रिया। नमस्ते राम। राम जी। डरे? अरे इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है बेटे? तेरा केस सॉल्व हो गया, बहुत जल्द मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखूंगा। डरे? और बेटा सुन, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लक्ष्मण। मैं और मेरा हाथी, हम जन्म जन्म के साथी।